सोशल लाइफ आफ्टर माइट्स। दीमक के सामाजिक जीवन के बारे में हम जानने से पहले समझते हैं कि सोसाइटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। किसी भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट इसलिए पाई जाती है ताकि संगठित रूप से सभी जीव आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने हेतु अपना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे वह जाति उस भौगोलिक स्थान पर बनी रहती है। इसीलिए इसी कैरेक्टर्स की वजह से इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। मोस्टली तो जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिटरी पाए जाते हैं, यानी एकल रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर यू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट करते हैं, सुसामाजिक संगठन का डेवलपमेंट करते हैं, और इसी की वजह से इनमें सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो एनिमल सोसाइटी है उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और इनके ये जो गुण होते हैं जिनमें से सबसे पहला जो गुण है वो कोऑपरेटिव ब्रूड केयर, यानी कि उसी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो राजा रानी और उसके बाद में निचले वर्ग, जो कि अपन यहाँ पर श्रमिक की बात कर रहे हैं, जो वर्कर्स कहलाएंगे, वर्कर के अलावा उनके अंदर उनकी रक्षा करने हेतु, तो इस प्रकार के इनके अंदर अलग अलग कार्यों का विभेदन पाया जाता है। और कार्य करने हेतु केवल वो पूरे जीवन अपने जीवन काल के दौरान में केवल एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तो उन्हीं में से एक पहला गुण है कि उनके अंडों की और उनके अंडों से निकलने वाले निम्फ की यहाँ पर देखभाल करना। इसलिए पर्टिकुलर इस सोसाइटी के अंदर एक जो वर्ग विशेष है वो केवल यहाँ पर को ऑपरेटिव ब्रूड केयर का डेवलपमेंट करता है। सेकंड, रिप्रोडक्टिव डिविजन्स ऑफ लेबर, यानी इनके अंदर भी जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिवली, इनके अंदर क्या होता है, निम्फ हैं जो वो निम्फ का ही डेवलपमेंट कर पा रहे हैं आगे, या सोल्जर्स या वर्कर्स का ही बना पा रहे हैं, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो किंग और क्वीन का डेवलपमेंट करें। किंग और क्वीन जो होंगे वो उनके अंदर निम्फ का डेवलपमेंट करते हैं, जिनमें से अन्य वापस से किंग और क्वीन का भी डेवलपमेंट होता है, और उसके बीच में कुछ निम्फ अवस्थाएं होती है जो उनसे रिलेटेड वर्कर्स का भी यहाँ पर डेवलपमेंट या सोल्जर्स का डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली भी यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर डिविजन्स पाया जाता है। तीसरी जो डिविजन्स होती है जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग बिटवीन जनरेशंस ये भी इंसेक्ट्स में पाया जाने वाला एक विशिष्ट गुण है। एग्जाम्पल अगर अपन लें तो इसमें एफिड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग सीजन्स और कोल्ड सीजन्स के बीच में का जो टाइमिंग होता है उस ईयरली वाइज इनके अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, इस पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में ये वन टाइम तो यहाँ पर डिप्लॉयड एग और वन टाइम इसके अंदर हैप्लॉयड एग का फॉर्मेशंस होता है। इनके अकॉर्डिंग इनके अंदर हैप्लॉइड्स होते हैं वो मेल बनाते हैं, और डिप्लॉइड जो होते हैं वो यहाँ पर फीमेल का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए इनमें एक जनरेशन जो होती है वो हैप्लॉइड आती है और दूसरी जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड आती है। खैर, ये सभी सोसाइटी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हम बात करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, यानी कि दीमक का सामाजिक जीवन। तो सबसे पहले अपन दीमक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इनका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में इनको सब फाइलम में डिवाइड किया है, तो होपफुली आपको याद होगा इनको हमने पांच सब फाइलम में डिवाइडेड किया था, उनमें से थर्ड सब फाइलम था हमारा यहाँ पर मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैंडिबल इन अ हेड पार्ट, तो इनके जो अग्र भाग पर है मैंडिबल्स की प्रेजेंस पाई जाती है, इसलिए ये मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आते हैं। थर्ड बात की अपन ने इनके अंदर क्लास, तो मैंडिबुलेटा को जो सिक्स क्लास जो लास्ट क्लास थी वो थी इंसेक्टा, और इंसेक्टा को भी पंख रहित और पंख युक्त दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया था। उसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं वो है आइसोप्टेरा, जिसके अंदर इनके अंदर पंखों की उपस्थिति पाई जा रही है, और इनको यहाँ पर दो प्रभेदों जिनको हम स्टैंड बोल रहे हैं या दो कास्ट बोल रहे हैं जिनको ज्ञातियाँ बोला जाता है, उसके अंतर्गत हम इनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जिनमें से पहली अगर मैं बात करूँ तो वो फर्टाइल और दूसरी होती है स्टेराइल, यानी कि इनके अंदर एक जो होती है वो रिप्रोडक्टिव करने वाली होती है और दूसरी जो नॉन रिप्रोडक्टिव कंडीशंस होती है। तो इनके अंदर यहाँ पर पॉलीमॉर्फिजम्स देखा जाता है, क्योंकि जो फर्टाइल और नॉन फर्टाइल ये दो कंडीशंस देखी जाएगी, स्टेराइल वाली कंडीशंस देखी जाएगी, तो एक प्रभेद में अलग अलग प्रकार के जननिक रूप से सक्षम और अक्षम दोनों ही प्रकार के जो जीव होंगे उनका डेवलपमेंट होगा, और ऐसे से इनकी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पर अलग अलग आकृति के या अलग अलग प्रकार के दिखाई देने वाले जो अलग अलग कार्यों के रूप में यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो इनके अंदर विविधात्मक प्रकार का संगठन देखा जा रहा है जो यहाँ पर बहुरूपता को प्रदर्शित करता है।
तो जैसा हमने अभी बात की थी कि इनके अंदर फर्टाइल कास्ट होती है और दूसरी यहाँ पर स्टेरिल कास्ट होगी, तो जो फर्टाइल कास्ट है और स्टेरिल कास्ट है, पहले इनके बीच में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो फर्टाइल कास्ट होती है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रजनन योग्य होते हैं, यानी कि इनके रिप्रोडक्शंस करने से आगे जो होता है एग का डेवलपमेंट होता है और उनसे वापस से फर्टाइल और नॉन फर्टाइल दोनों टाइप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो स्टेरिल कास्ट होती है वो अप्रजनिक है, वो यहाँ पर किसी भी रूप से यहाँ प्रजनन करने योग्य नहीं होते। इनका जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं प्रभेदों के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर भी हम जो देखेंगे सप्लीमेंट्री जो रिप्रोडक्टर्स हैं केवल वही इनके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी निम्फ प्रावस्थाओं के बाद में ये अवस्थाएं पुनः प्रकट हो सकती हैं। साथ साथ में जो स्टेरिल और फर्टाइल के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, तो जो फर्टाइल वाले हैं जो प्रजनन योग्य हैं वो कलर में थोड़े से यहाँ पर गहरे पीले और भूरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि वे जो होते हैं वो थोड़े रंगहीन या हल्के प्रकार के रंगों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि नॉन फर्टाइल की संख्या वहाँ ज़्यादा होती है जबकि फर्टाइल की संख्या यहाँ पर लेस देन होती है, बहुत कम होती है। अब बात करते हैं इनको दोनों को अपन ने टू टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया, यानी कि जो स्टेरिल कास्ट है वो इस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स और सोल्जर्स यानी श्रमिक और सोल्जर्स के रूप में यहाँ पर पाई जा रही है, जबकि दूसरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स एंड सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स जो होते हैं वो यहाँ पर मैक्रोप्टेरस कहलाते हैं, जिन्हें हम दीर्घपंखी कहते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्रैंकियोप्टेरस, जिनके अंदर इन्हें हम लघुपंखी के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टाइप है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स, यही यहाँ पर किंग और क्वीन के डेवलपमेंट करते हैं और इन किंग और क्वीन के डेवलपमेंट की वजह से ही इनके अंदर आगे एग्स और उनको पालने वाले फिर उनके जो सपोर्टिव्स होते हैं और सपोर्टिव्स के अलावा उनके अंदर श्रमिक और सोल्जर्स, इन सभी का पालना करते हैं। तो इनके लिए जो स्पेसिफिक होता है, इनके शरीर पर पंखों की उपस्थिति पाई जाती है लाइक एलिट, और ये दृढ़ प्रकार के पंख पाए जाते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, और ये साथ साथ में फर्टाइल कंडीशंस होती हैं, और इनके अंदर आँखों की उपस्थिति जो कंपाउंड आई होती है वो यहाँ पर संयुक्त नेत्र की उपस्थिति देखी जाती है। इसके अलावा जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो प्रजनन के दौरान में ये जमीन या बिलों से बाहर निकलते हैं और वहाँ से एक कामद उड़ान भरी जाती है जिसे हम न्यूप्टियल फ्लाइट के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो इस फ्लाइट के दौरान में नर और मादा एक दूसरे का चुनाव करते हैं और कॉपुलेशन प्रक्रिया के बाद में जो फीमेल होती है वो अपने एग को प्रोड्यूस करती है। इनके अंदर जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक अध्यसन कक्ष या रॉयल चैम्बर का डेवलपमेंट कर लेती है जिसके अंदर सिर्फ क्वीन रहती है, और यह क्वीन यहाँ पर एग्स का फॉर्मेशन करने के बाद में इनके चारों तरफ जो श्रमिक होते हैं वो इनकी इसमें देखभाल करते हैं, जबकि नर का जो काम होता है प्रजनन के पश्चात भोजन उपलब्ध कराने का कार्य रहता है जो रानी की सुरक्षा और रानी के भोजन हेतु आवश्यक होता है। सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो दूसरी प्रकार के सप्लीमेंट्री हैं जिनका काम ही सप्लीमेंट करना है किसी प्रकार का, तो ये लघुपंखी होते हैं, और लघुपंखी होने के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि इनके एग्स से निकले हुए इनके निम्फ प्रावस्थाओं जैसे दिखाई देते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है वापस, क्योंकि हमने अभी फर्टाइल ही चल रहा है इसलिए इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये अपने जैसे ही ऑन निम्फ का डेवलपमेंट कर सकें लाइक सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव का बना सकें, वर्कर्स बना सकें या फिर सोल्जर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी पाई जाती है इसलिए ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स कहलाते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट जो कि स्टेराइल थे, तो स्टेराइल के अंदर हमने सबसे पहला जो पढ़ा वर्कर्स, तो इस सोसाइटी के अंदर इनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है जिससे अंडों की देखभाल की जा सके, हाइजीन मेंटेन किया जा सके, और इनके जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे कि मार्ग ढूंढना इत्यादि, ये सभी कार्यों का काम इनके द्वारा संपादित किया जाता है। अगर बात की जाए इनके प्रभेद के अंदर एक पूरी सोसाइटी के अंदर, तो इनकी लगभग 50% पॉपुलेशन होती है वो वर्कर्स की हुई होती है, जो भी यहाँ पर डिप्लॉयड यानी मेल या फीमेल जो कि स्टेराइल प्रकृति के होते हैं, बंद्य प्रकृति के पाए जाते हैं। इनके अंदर कंपाउंड आई जो होती है वो रेड्यूस्ड होती है एज कम्पेरेटिव टू दिस, और हाइजीन ये मेंटेन करते हैं, फूड चैम्बर का डेवलपमेंट करेंगे, फूड कलेक्शंस का वर्किंग करेंगे, और इनके अलावा मार्ग को ढूंढना यानी रूट डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसमें अलग अलग रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर इनके श्रमिक कम समय के अंदर अधिक भोजन को एकत्रित कर सकें। सोल्जर्स की अगर बात की जाए तो सोल्जर्स के जो मुख्य कार्य हैं वो है प्रोटेक्शंस, यानी ये एक चारों तरफ उपस्थित रहकर इनका काम सिर्फ यहाँ पर जो प्रोटेक्शंस का ही पाया जाता है, जो केयर गिवर्स या केयर टेकर्स के रूप में मौजूद रहते हैं, ये भी इन्हीं के समान डिप्लॉयड होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं, और द्विगुणित जिसके अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित पाए जा सकते हैं, लेकिन ये नर और मादा जो
होंगे वो यहाँ पर बंदी प्रकृति के पाए जाएंगे। इनके अंदर भी टू टाइप्स हमें देखने को मिलता है। एक जो टाइप्स होता है वो मैंडिबुलेट सोल्जर्स होते हैं, जिनके आगे की तरफ चिबुक आकृति की यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है चिबुक ग्रंथि जो यहाँ उपस्थित होती है। और दूसरे जो होते हैं जिनके अंदर आगे की तरफ रोस्टम या सुंड समान आकृति निकली हुई होती है, इसलिए ये कहलाते हैं एस्यूट सोल्जर्स, जिनकी जॉ कंपेरेटिवली यहाँ पर स्मॉल होती है और वेस्टिजियल्स होती है, लेकिन इनके अंदर आगे की तरफ रोस्टम प्रेजेंट होता है। यानी इनके जबड़े जो होते हैं वो थोड़े छोटे प्रकार के होते हैं, जिनसे उनको काटा नहीं जा सकता, लेकिन शुंड की सहायता से यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको कर सकते हैं। अब इनके अंदर मैंडिबुलेट जो सोल्जर्स होते हैं ये बेसिकली युद्ध करने का ही कार्य करते हैं, इसलिए ये फाइटर्स कहलाते हैं और इनको चिबू की सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ये जो सैनिक हैं वो यहाँ पर सुंड सैनिक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनमें तीन तरीके के फंक्शंस देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से प्रोटेक्शंस कर पाते हैं। अगर आप इनके हाइड्रोजन्स को देखें तो हाइड्रोजन्स पर पाए जाने वाली संरचना के फलस्वरूप ये अंदर आने वाले अपने जो द्वार है इनका, जो इन्होंने पूरा के पूरा जगह बना रखी है, उसको क्लोज किया जा सकता है ताकि कोई अन्य यहाँ पर प्रवेश ना कर सके। और अपने पाए जाने वाले मैंडिबल की सहायता से, ये जो मैंडिबल्स पाए जा रहे हैं इन मैंडिबल्स की सहायता से एक दूसरे शत्रु को काट सकते हैं। और तीसरी जो कंडीशन होती है इनमें पाए जाने वाले फ्रंटल ग्लैंड्स, इस फ्रंटल ग्लैंड के अंदर विशेष प्रकार के टॉक्सिक्स अवेलेबल होते हैं या रेपेलेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि अन्य किसी के प्रवेश के समय उसके ऊपर छिड़क कर या इंजेक्ट कर उनको मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से ये यू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट करते हैं। अगर दिमाग की बात की जाए हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये अलग अलग प्रकार के वृक्षों के ऊपरी और निचले दोनों भागों के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो या तो ये वायव्य भाग जो जमीन से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ उस भाग के अंदर मौजूद हो सकते हैं, या जमीन के अंदर जो अंदर की जो ब्रांचेज होती हैं, जो रूट पार्ट होता है उसके नियर बाय भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार की देखी जा सकती है। इनके लिए जो जलवायु, जो क्लाइमेट इनको चाहिए वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है।